आपके सामने इस वक्त मर्सिडीज़ E200 1.8 लीटर स्क्रीन पर मौजूद है। आज की इस वीडियो में आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू दिया जाएगा। मर्सिडीज़ E200 1.8 लीटर इंजन होता है, तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू दिया जाएगा। आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाएंगे, इंटीरियर दिखाएंगे, उसके अलावा गाड़ी की तमाम तर स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी की फ्रंट एंड बैक से लुक दिखा देता हूँ ताकि आपको गाड़ी की कंडीशन का आइडिया हो जाए। मर्सिडीज़ E200 1.8 लीटर इंजन है, टर्बोचार्जर के साथ होता है और 2012 मॉडल है। तो फ्रंट से भी आप इस गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, बैक साइड से भी मैं आपको इस गाड़ी की लुक दिखा देता हूँ। मर्सिडीज़ E200 2012 मॉडल है, वाइट कलर है और यह गाड़ी इस वक्त यहाँ पर फ्रंटियर मोटर रावलपिंडी में मौजूद है। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा देते हैं। बैक साइड से मैं आपको ये गाड़ी दिखा देता हूँ। ट्वेल्व मॉडल है, E200 मर्सिडीज़ 1.8 लीटर टर्बोचार्जर के साथ इसका इंजन आता है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको इसके मर्सिडीज स्टाइल में फ्रंट लैंप्स मिल जाते हैं और फ्रंट पर आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की ऑप्शन मिलती है। इसके हाई और लो बीम दोनों आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में दिए गए हैं जो कि एलईडी में आते हैं। उसके अलावा इसका जो फ्रंट बम्पर है यहाँ पर आपको इसमें फॉग लैंप्स की ऑप्शन नहीं मिलती, जबकि इसके फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको टर्न सिग्नल की ऑप्शन दी गई है। इसकी ट्रिमिंग काफ़ी खूबसूरत की गई है इसके टर्न सिग्नल की, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी इसका फ्रंट बम्पर जो है बॉडी कलर में दिया जाता है, आपको पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन फ्रंट बम्पर के ऊपर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसकी ग्रिल की बात करूँ तो क्रोम में इसकी ग्रिल दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मैसिव ग्रिल इसकी फ्रंट पर आपको मिल जाती है। और इसकी ग्रिल के ऊपर आपको मर्सिडीज़ बेंज का लोगो मिल जाएगा और फ्रंट पर आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिलेगा जो कि क्रोम में आता है। बाकी आप इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हैं। साइड लुक की अगर बात की जाए तो इसका जो फेंडर है इस पर आपको कोई टर्न सिग्नल की ऑप्शन नहीं मिलती, प्लेन फेंडर होता है, जबकि इसका टर्न सिग्नल साइड व्यू मिरर के ऊपर आपको एलईडी में मिलता है। इसके जो साइड व्यू मिरर हैं ये ब्लैक एंड वाइट कलर में डिज़ाइन किए जाते हैं, बेसिकली बॉडी कलर में आते हैं और इस पर ब्लैक कलर की ट्रिमिंग दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक देती है इसके साइड व्यू मिरर को। ऑटो रिट्रैक्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं और इसके साइड व्यू मिरर जो हैं ये हीटेड होते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसके डोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर बॉडी कलर में इसके डोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिन पर आपको स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन मिल जाती है और की होल की ऑप्शन भी आपको इसके डोर्स के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसकी विंडोज़ की ट्रिमिंग मिलती है जो कि क्रोम में आती है, काफ़ी खूबसूरत लुक देती है और इसके डोर के ऊपर भी आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करूँ, 255/45 इस गाड़ी का टायर साइज़ है और 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के आते हैं, काफ़ी अग्रेसिव लुक देते हैं गाड़ी को। इसके जो व्हील्स हैं इसके ऊपर आपको मर्सिडीज़ बेंज का लोगो मिल जाएगा। उसके अलावा पर आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। उसके अलावा इसकी बैक साइड की अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो यहां पर बैक पर भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स दी जाती हैं जो कि सॉलिड डिस्क ब्रेक होती है और ये गाड़ी ABS की ऑप्शन के साथ आती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसकी रूफ़ की बात करूँ तो फुल पैनारामिक सनरूफ इसमें आपको दिया जाता है। इसका जो रूफ़ है ये फुल ग्लास का होता है और बैक पर आपको शार्क पिन एंटीना प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। उसके अलावा इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है डीफोगर की ऑप्शन के साथ आती है और इस पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप इस तरह से ट्रिमिंग स्टाइल में दिया गया है। यहाँ पर आपको इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप जो है वो विंड स्क्रीन के अंदर दिया जाता है। बैक पर तमाम लाइट्स आपको इसकी LED में मिलती हैं, इसके टर्न सिग्नल और ब्रेक लैंप आपको LED में दिए जाते हैं, जबकि इसका जो रिवर्स लैंप है यह आपको हैलोजन लैंप में मिल जाता है। इसके बैक ट्रंक के ऊपर आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है, काफ़ी खूबसूरत लुक बैक साइड से इसको प्रोवाइड करती है और आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाएगा जो कि क्रोम में आता है।
और दूसरी साइड पर आपको E200 लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो रियर बम्पर है आपको बॉडी कलर में मिलता है, साथ ही आपको इस पर क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाती है। व्हाइट कलर में इसका रियर बम्पर डिज़ाइन किया जाता है और इसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। उसके अलावा बैक साइड से आप इसके एग्जॉस्ट पाइप्स देख सकते हैं। 1.8 लीटर इंजन होता है जो कि टर्बोचार्जर के साथ आता है। मर्सिडीज़ E200 2012 मॉडल है, 1.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है इस गाड़ी का। तो चलिए आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको इसमें ग्लॉसी पैनल्स, सॉफ्ट प्लास्टिक और लेदर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत इसके डोर की डिज़ाइनिंग की जाती है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के ग्लॉसी पैनल्स मिल जाते हैं। सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में इसका जो है डोर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉक किया गया है इसके डोर लैच के साथ। सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में इसका डोर लैच दिया जाता है, उसके साथ ही आपको इसमें सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स दिए गए हैं। इसकी ट्रिमिंग ग्लॉसी फिनिश में की गई है इसके डोर लैच की, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। उसके अलावा विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के बटन्स हैं यहाँ पर, और आपको इसकी विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। मज़ीद इसके साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट दी गई है। नीचे आपको एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है और इसके डोर के ऊपर यहाँ पर आपको बैक ट्रंक ओपनर दिया गया है। उसके अलावा इसके डोर के ऊपर आपको एक स्पीकर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। इसमें आपको 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील दिया जाता है। सॉफ्ट प्लास्टिक इसके मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग व्हील इसमें आता है और इसका स्टेयरिंग व्हील कॉलम जो है ये 2-वे एडजस्टेबल होता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली। इसके अलावा इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर अगर आप देखें तो आपको SRS एयरबैग की ऑप्शन मिल जाएगी। आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाएगा और ड्यूअल टोन में इसकी कलर डिज़ाइन किया जाता है सिल्वर और ब्लैक कलर में। यहाँ पर आपको वॉइस कंट्रोल्स मिल जाते हैं और दूसरी साइड पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर दिए गए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इस तरफ इसकी लाइट कंट्रोल स्विचेस हैं, जबकि ये जो है इसका गियर लीवर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। की होल की ऑप्शन मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें पार्किंग ब्रेक की ऑप्शन दी गई है। मज़ीद नीचे कोई ख़ास ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलती। इसका स्टेयरिंग व्हील जो है ये पैडल शिफ्टर्स की ऑप्शन के साथ आता है और इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाएगी। उसके अलावा स्टेयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर आपको एक इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। मज़ीद उसके नीचे आपको 2 इवेंट्स मिल जाते हैं, एक पैसेंजर के लिए और एक ड्राइवर के लिए। एवेंट्स के दरमियान में आपको हैजल लाइट कंट्रोल बटन मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको DVD की ऑप्शन मिल जाती है। इसका ऑडियो सिस्टम है। नीचे यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स को ऑन और ऑफ करने का बटन दिया गया है। इसमें आपको इको का ऑप्शन मिल जाता है। उसके नीचे आपको जो है इसमें ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि डिजिटल फॉर्म में आता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर मज़ीद में ऑप्शंस की बात करूँ तो आपको कप होल्डर्स की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। एक आपको यहाँ पर जो है स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। मज़ीद अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और मज़ीद इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो आपको एक SRS एयरबैग इसके पैसेंजर के लिए दिया गया है। आपको पैसेंजर के लिए एक एयरवेंट मिल जाता है। नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। पैसेंजर डोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक करने के लिए बटन है। उसके अलावा विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए बटन दिया गया है। और पैसेंजर डोर के ऊपर आपको इसमें स्पीकर भी प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। आपको इसमें SRS एयरबैग यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ए पिलर पर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इस पैसेंजर के लिए भी इसमें एक SRS एयरबैग दिया गया है। और उसके अलावा इसमें सनशेड्स दिए जाते हैं जिन पर आपको मिरर की और लाइट की ऑप्शन मिल जाती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर फ्रंट पर अगर आप देखें तो आपको कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं। और इसमें क्योंकि ये फुल पैनोरामिक सनरूफ है तो इसका आपको यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके अलावा रियर व्यू मिरर आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। इसमें आपको लेदर का मटेरियल दिया गया है इसकी सीट्स के लिए। फुली लेदर में इसकी सीट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती हैं। और इसमें जो लंबर स्पोर्ट है वो आपको मैन्युअली दी गई है। वहाँ पर आपको इसमें लंबर स्पोर्ट के लिए एक लीवर दिया गया है, तो अगर आप इस लीवर को इस तरह करते हैं तो इसमें लंबर स्पोर्ट आगे आ जाती है, और ऐसे करते हैं तो इसमें लंबर स्पोर्ट पीछे चली जाती है। तो फ्रंट पर आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल जाता है और बीच कलर में इसकी सीट्स दी जाती हैं और ब्लैक कलर में इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया जाता है। चलिए बैक साइड से भी आपको इसकी सीट्स दिखा देते हैं। बैक पर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट की ऑप्शन मिल जाती है और लेदर में इसकी बैक सीट्स दी जाती हैं बीज कलर में। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें आर्म रेस्ट की ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। बैक पैसेंजर्स के लिए भी आपको एयरवेंट दिए जाते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर आपको पॉकेट्स भी दिए गए हैं बैक सीट के लिए। पैसेंजर डोर की बात करूं तो इसका डोर जो है ये प्राइवेसी कर्टन के साथ आता है। उसके अलावा बैक डोर की डिज़ाइनिंग बिल्कुल फ्रंट डोर की तरह उसके सिमिलर की गई है। उसके अलावा बैक पर आपको इसमें विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन दिया गया है और स्पीकर और लाइट की ऑप्शन आपको बैक डोर के ऊपर भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी।
तो चलिए आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके दिखा देते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी खूबसूरत की जाती है। 260 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है। यहाँ पर आपको इंजन आरपीएम मीटर मिल जाता है, 7000 से रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है। इंजन आरपीएम मीटर जो है एनालॉग में दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाता है और इस तरफ आपको इसमें एनालॉग क्लॉक दी जाती है। यहाँ पर आपको इसमें फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है। उसके अलावा दरमियान में आपको एक मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और गाड़ी के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए आपको इसका इंजन भी ओपन करके दिखा देते हैं। 1.8 लीटर इंजन जो कि टर्बोचार्जर के साथ आता है और बाकी इसके आप कंडीशन वगैरह देख लें और इंजन के हवाले से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। जी तो ये था आज का मर्सिडीज ई क्लास का डिटेल्ड रिव्यू। 2012 मॉडल है और वाइट कलर है और ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर फ्रंटियर मोटर रावलपिंडी में मौजूद है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पर आपको फोन नंबर दिया गया, आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँ, इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर आपको एंटी कोलिजन सिस्टम के सेंसर प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। और अगर लास्ट में इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो 8 मिलियन रुपीज़ इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है यहाँ पर फ्रंटियर मोटर्स रावलपिंडी पर। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, 80 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। बाकी आप कॉल करके डिटेल में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और उसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।